हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जे आर डी के कुकिंग डायरीज। सो आज हम बनाएंगे क्रिस्पी ब्रेड रोल्स। ये खाने में बहुत ही अच्छे क्रंची लगते हैं और बहुत झटपट बन जाते हैं, तो आप इसे कभी भी ब्रेकफास्ट या इवनिंग स्नैक्स में बनाकर इसके मज़े ले सकते हैं। तो अगर आप ये क्रिस्पी ब्रेड रोल्स की रेसिपी जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो जल्दी से बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, उससे आपको हमारी वीडियोस की न्यू अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए अब हम ब्रेड रोल्स बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने बाउल में 3 बॉयल आलू लिए हैं। इसे हम अपने हाथों की मदद से हल्का मैश कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़े रोस्टेड पीनट्स डालेंगे और एक बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। यहाँ हमने बड़े साइज का प्याज लिया है। फिर हम इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और आधा चम्मच चाट मसाला डालेंगे। फिर इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर डालें और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालें। फिर हम इसमें थोड़ा नमक डालेंगे और अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो इंग्रेडिएंट्स का फ्लेवर है वो आलू में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब हमारे आलू की स्टफिंग रेडी है। तो अब हम ब्रेड लेंगे और ब्रेड के कॉर्नर्स को इस तरीके से कट कर लेंगे। यहाँ हम ब्रेड के कॉर्नर्स को इसलिए कट कर रहे हैं ताकि जब हम रोल्स को शेप दें तब वो ईजिली शेप हो जाए, क्योंकि जो ब्रेड के कॉर्नर्स होते हैं वो थोड़ी हार्ड होती है तो वो हमें शेप देने में दिक्कत हो सकती है। तो अब हम इसी तरीके से सारे ब्रेड के कॉर्नर्स को कट कर लेंगे। उसके बाद एक ब्रेड को इस तरीके से थोड़ा पानी में डालेंगे और उसका जो एक्सेस पानी है इसे प्रेस करके निकाल लेंगे। अब हम इसमें आलू की स्टफिंग डालेंगे। और अब ब्रेड को रोल करके इसे शेप दे देंगे। तो अभी हमारा ब्रेड रोल बनकर तैयार है। तो अब हम इन ब्रेड रोल्स को फ्राई कर लेंगे। यहाँ हमें गैस की फ्लेम मीडियम से हाई पर रखनी है। हम इसे पलटकर दूसरे साइड से भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो इन ब्रेड रोल्स को हमें गोल्डन ब्राउन होते तक फ्राई करना है। तो अभी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो वो मैंने पैन से निकाल लेंगे। तो अब हम बाकी बचे ब्रेड्स के भी इस तरीके से रोल बना लेंगे। तो अब इन्हें भी फ्राई कर लेते हैं।
आप देख सकते हैं हमारे ब्रेड रोल्स कितने अच्छे क्रिस्पी बने। तो अब हम इन्हें सर्व कर लेंगे। तो आप भी इस तरीके से ब्रेड रोल्स बनाकर ज़रूर देखें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको हमारी ब्रेड रोल्स की रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।